नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के खिलाफ जो डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हुई थी, उसका असर दिल्ली से लेकर के नागपुर तक दिखा। इस बीच में बातचीत की भी कुछ से होती रही, लेकिन बात नहीं बनी और मामला हाईकोर्ट तक पहुँचा। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से साफ साफ कहा है वो डॉक्टरों से बातचीत करें, लेकिन अभी दोनों तरफ से तलखी बनी हुई है और धीरे धीरे ये पूरी की डॉक्टरों की हड़ताल देश भर में फैलती जा रही है। इधर एक आईएमए की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला किया गया कि 17 जून को पूरे देश भर में 24 घंटे की हड़ताल रहेगी डॉक्टरों की। इसके बाद से कह सकते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें सुरक्षा चाहिए या उनके साथ आए दिन मारपीट होती है, देश में एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी के हालात से बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये कोई समस्या नहीं है, इसके पहले दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है डॉक्टरों के साथ मारपीट की, या और राज्यों से भी इस तरह की खबरें आती रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा और कह सकते हैं कि ममता सरकार ने मामले को हैंडल करने में देरी की, उन्होंने चेतावनी दी डॉक्टरों की लेकिन चेतावनी देने के बावजूद डॉक्टर नहीं माने और 175 डॉक्टरों ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद जो है स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। हालांकि अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ममता सरकार डॉक्टरों से बातचीत के लिए क्या कदम उठाती है, बातचीत करती है उनकी सुरक्षा के लिए बल्कि क्या कदम उठाती है। और इधर जिस तरह से आईएमए ने 17 जून को हड़ताल की चेतावनी दे करके दबाव बनाया है, उसके बाद से सिर्फ ममता सरकार की बात नहीं है, इसमें केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। आए दिन एम्स में भी ऐसी घटनाएं होती रहती है और आज जो हड़ताल का असर दिखाया है उसमें एम्स और सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मसले को लेकर के मीटिंग की है। अब देखते हैं कि वो ममता सरकार से बातचीत करके क्या हल निकालते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह से डॉक्टर धीरे धीरे यूनाइट होते जा रहे हैं, उसके बाद से यदि इस मसले को हल करने के लिए चाहे केंद्र सरकार हो या पश्चिम बंगाल सरकार हो तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो 17 जून की हड़ताल जो है कहीं ज़्यादा लंबी ना, मतलब अभी तो 24 घंटे की हड़ताल की कॉल दी गई है आईएमए की तरफ से, लेकिन उसे बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि ये डॉक्टर्स जो है सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। क्या सिर्फ बात सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की ही है या इसमें कोई सियासत भी हो रही है, ये देखने वाली बात है। जैसे कोई और अपडेट मिलता है हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।